हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आगम तंत्र का सातवां पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखना है हमको लांगली। ठीक है, तो इसके पहले हमने अर्क और स्नोही की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक अर्क और स्नोही की वीडियो नहीं देखी, तो आप हमारे इस वीडियो के लांगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके स्नोही और अर्क की वीडियो के लिंक पे क्लिक करके अर्क और स्नोही के बारे में देख सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट पे भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज लांगली के बारे में। लांगली, ठीक है, लांग ली। तो लांगली का जो लैटिन नेम है उसको आप जानते होंगे, इसको कहते हैं ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियोसा सुपरबा, ठीक है। तो इसका लैटिन नेम है, और टाइप में आप जानते हैं कि ये आएगा, अगर मॉडर्न की बात करते हैं तो वो आएगा हमारा इरिटेबल इरिटेंट विजिटेबल पॉइजन, और आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आएगा ये हमारा स्थावर वनस्पतिक विष में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है फीटल डोज के बारे में, फीटल डोज और फीटल पीरियड के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आता है, दो नंबर में पूछ सकता है, फीटल डोज और फीटल पीरियड बताइए लांगली का। तो फीटल डोज आपको ध्यान में रखना है कि इसका 60 mg लिया जाता है, रूट जो होती है 60 mg अगर हम ले लें तो ये पॉइजनस हो जाता है, तो एडल्ट में इसका 60 mg। और अगर फीटल पीरियड की बात करते हैं तो 12 से 72 आवर्स। ठीक है, तो 12 से 72 घंटे के अंदर ये इसका घातक काल कहलाया गया है, और घातक जो मात्रा है वो 60 mg। ठीक, और इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो रूट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, या इसको साइन एंड सिम्टम्स भी कह सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो इसमें इसका जो क्लिनिकल फीचर है, इसमें हम अगर इंजेक्शन किया गया है ग्लोरी रूट का, तो उसको देखते हैं कि अगर ग्लोरी रूट है, या जो ग्लो ये लांगली का जो रूट है उसकी ग्लोरियोसा ग्लोसिया रूट का अगर इंजेक्शन किया गया है, तब क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इंजेक्शन किया गया है, तो अगर इंजेस्टेड है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ग्लोरियोसिया रूट का इंजेक्शन किया गया है, तो वहाँ पे हमको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पे, माउथ में, चेस्ट में, थ्रोट में और अपर GIT में। ठीक है, और इसके अलावा नौजिया और इंटेंस वोमिटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्लाइवेशन नहीं होता है, यहाँ पे आपको नौजिया देखने को मिलेगा और इंटेंस वोमिटिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग होगी और नौजिया देखने को मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसमें, कि ये आपने अर्क और स्नोही में देखा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव या कह सकते हैं कि एब्डोमेन पेन होगा, और एब्डोमेन पेन और क्रैम्प होगा। ठीक है, पेन और क्रैम्प। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है इसमें, कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कि यहाँ पे जो आपका जो परगेशन होता है वो वाटरी ना होके यहाँ पे ब्लडी परगेशन होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ब्लडी परगेशन होता है, जो परगेशन होता है वो ब्लड के साथ होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपने देखा ही आएगा इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है डिहाइड्रेशन के कारण, ओलिगो यूरिया वाली कंडीशन डेवलप होती है, और एन यूरिया वाली कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और बात करते हैं हम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के, तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में आपको देखने को मिल सकता है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो वही आपका अगर डिहाइड्रेशन हो गया आपके बॉडी, तो टंग जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, स्किन जो हो गई उस टर्गर लॉस हो जाएगा, टर्गर लॉस, और जो हमारी आईज रहेंगी वो श्रंकिन हो जाएंगी, श्रंकिन मतलब धसी हुई देखने को मिलेगी, श्रंकिन। और जो इन एंटी इंटीरियर फॉन्टेनल है, इन्फेंट में जो इंटीरियर एंटी फॉन्टेनल होता है इन्फेंट का, वो धसा हुआ मिलेगा या डिप्रेस मिलेगा। इसके अलावा जो पल्स रहेगी वो
फीबल रहेगी, टैकीकार्डिया वाली कंडीशन रहेगी बॉडी में, हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी, टैकीकार्डिया। इसके अलावा डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक के कारण, क्योंकि बॉडी में वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट चला जाता है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है और सर्कुलेटरी फेलियर के कारण भी डेथ हो जाएगी, सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में टंग जो रहेगी वो ड्राई दिखने की मिलेगी, स्किन जो है तो उसका टर्गर लॉस, आइज जो रहेगी श्रंकिन, एंटीरियर इनफॉन्टेनल जो रहेगा वो डिप्रेस मिलेगा, पल्स जो रहेगी फीबल रहेगी, हार्ट बीट जो रहेगी वो टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी। डेथ किससे हो सकती है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण और सर्कुलेटरी फेलियर के कारण डेथ हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर यही ग्लोरियोसा रूट का वजाइना में इंसर्शन किया गया है एबॉर्शन के लिए, वजाइना में इंसर्शन किया गया है एबॉर्शन के लिए, तो वहाँ पे हमको क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स में पहले ही बात करते हैं सिम्टम्स की हम। सिम्टम्स तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा कि लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिलेगा, अगर वजाइना में इंसर्ट किया गया है रूट एबॉर्शन के लिए, तो हमें लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा, हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। इसके अलावा पर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है आपको, तो ब्लीडिंग पर वजाइना देखने को मिल सकती है, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट एबॉर्शन देखने को मिल सकता है, ये आपका सिम्टम्स में आता है अगर ग्लोरियोसा रूट का इंसर्शन किया गया है वेजाइना में एबॉर्शन के लिए। इसके बाद हम साइंस की बात करते हैं, तो इसमें साइंस कुछ देखने को मिलते हैं, तो जैसे इसमें देखने को वेजाइना और सर्विक्स में, वेजाइना और सर्विक्स में आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन। इसके अलावा ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, इसके अलावा आपको कंट्यूज्ड एब्रेजन या लेसरेशन वजाइना में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एब्रेजन या कंट्यूजन, ठीक है, वजाइना में देखने को मिल सकता है। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो एब्रेजन और कंट्यूजन के बाद यहाँ पे हमको पर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, आइदर वो फ्रेशली हो या क्लॉटेड हो। ठीक है, चाहे वो फ्रेश हो या क्लॉटेड हो। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में हमको पेलनेस देखने को मिल सकती है, पीलापन देखने को मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे हमारे जीभ में हो सकता है, टंग में नेल्स में, जो नेल बेड होता है वहाँ पे देखने को मिल सकता है, कंजक्टाइवा में, ठीक है, आइज में। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारा, अगर हम जो ग्लोरियोसा का रूट है उसका इंसर्शन किया गया है वजाइना में, तो वहाँ पे हमको ये सिम्टम्स और साइन देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या था पहला, कि सिम्टम्स में लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग पर वजाइनली, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। साइंस में हम देख सकते हैं कि वजाइना या सर्विक्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है हमको, एब्रेजन और कंट्यूजन देखने को मिल सकता है, फ्रेश और क्लॉटेड ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है परवाजाइनली, और पेनलेस देखने को मिल सकता है, पीलापन और टंग में देखने को मिल सकता है, नेल बेड में देखने को मिल सकता है, और कंजक्टाइवा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, तो अगर इसकी पॉइजनिंग हो गई है लंग लीक, तो वहाँ पे हमको मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या इसे ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर इंजेक्शन किया गया है, अगर मुख द्वारा उसको खाया गया है, माउथ के थ्रू इंजेस्टेड पॉइजन है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, तो वही सबसे पहले रिससिटेशन करवाना है। रिससिटेशन कैसे, अगर डिहाइड्रेशन है तो वहाँ पे हम RL चढ़ाएंगे, IV फ्लूड, और अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो उस केस में हम इमेसिस करवाते हैं। इमेसिस कैसे करवाते हैं, सॉल्ट वाटर और सीरफ आई पैक के थ्रू। इसके अलावा सॉरी यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण कारण में हम यहाँ पे हम डोपामाइन देते हैं, इंजेक्शन डोपामाइन देते हैं, जो कि जिसकी डोज जो रहती है वो 5 माइक्रोग्राम
5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट रहती है, ठीक है। और इसको डीएनएस के साथ देना है, डीएनएस में देना है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं, अगर जो पॉइजन है वो अनएब्जॉर्ब है, मतलब अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है बॉडी में, तो उस केस में हम दो तरीके की यहाँ पे स्टेप फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्सियस है और उसके वाइटल्स जो हैं स्टेबल है, तो उस केस में वहाँ पे हम एमिसिस करवाते हैं। एमिसिस कैसे करवाते हैं, वही सॉल्ट वाटर और सिरप आई पैक के थ्रू। और अगर जो पेशेंट है वो अनकॉन्सियस है और उसके वाइटल जो हैं अनस्टेबल वाइटल हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे हम परगेशन करवाते हैं, स्टमक वॉश करवाते हैं, परगेशन नहीं करवाते, स्टमक वॉश करवाते हैं KMNF4 सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो KMNF4 सॉल्यूशन के थ्रू हम यहाँ पे स्टमक वॉश करवाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा तीसरा जो पॉइंट है, यूज ऑफ एंटीडोट, यूज ऑफ एंटीडोट। तो एंटीडोट का प्रयोग कैसे करना है, तो एंटीडोट का प्रयोग हम तीन प्रकार से, यहाँ पे तीन एंटीडोट का प्रयोग होता है, मैकेनिकल, केमिकल और स्पेसिफिक। मैकेनिकल, केमिकल और स्पेसिफिक। तो मैकेनिकल में हम मिल्क का प्रयोग करते हैं, तो मिल्क का यूज़ करते हैं हम मैकेनिकल में। केमिकल में हम स्टमक वॉश करवाते हैं KMNO4 सॉल्यूशन के थ्रू। और स्पेसिफिक में यहाँ पे हम सुंठी का पान करते हैं, ठीक है, सुंठी पान, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक वाला ये स्पेसिफिक पॉइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंठी पान, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट, सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट। तो सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट कैसे करना है, आपने देखा होगा अगर बर्निंग हो रही है तो वहाँ पे हम रैनिटिडिन देते हैं, रैनिटिडिन। और अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वहाँ पे हम डाईसाइक्लोअमाइन देते हैं, डाईसाइक्लोअमाइन, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट ऐसा होगा इसका। अब यहाँ देखते हैं हम मैनेजमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर ग्लोरियोसा रूट का इंसर्शन किया गया है वजाइना में एबॉर्सन के लिए, तो उस केस में हमको क्या ट्रीटमेंट देना है, तो आयुर्वेदा के अनुसार हम मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी रूट है ग्लोरियोसा रूट, उसको हमको बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल। दूसरा पॉइंट है इसमें कि योनि धावन या योनि पिचू, तो योनि धोवन और योनि पिचू किया जाता है, ये आयुर्वेदा में एक स्थानिक प्रोसेस है, स्थानिक चिकित्सा है, ये आपको गायनी में मिलेगा। तो वहाँ तो अगर आपको जानना है तो इस पर बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो डाल दूंगा। और तीसरा जो इसमें हमको करना पड़ता है ट्रीटमेंट क्या है, कि रक्त स्तंभक और यूट्राइन टॉनिक देना रहता है, जैसे असोकारिस्ट या लोधरासो। तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड को रोकेगा और यूट्रस की हेल्थ को ठीक करेगा, ठीक है। इसके बाद हम रक्त प्रसादन औषधियाँ देते हैं, जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगा, ब्लड को शुद्ध करेगा, जैसे सारीवा आसव आता है हमारा और मंजिष्ठा आदि क्वाथ इसमें आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोस्ट मॉर्टम अपीयरेंस। तो पोस्ट मॉर्टम अपीयरेंस में क्या देखने को मिलता है हमको, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, तो ये इंजेशन की बात हो रही है, सबसे पहले हम इंजेशन की बात करते हैं। अगर खाया गया है तो उस केस में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में हम सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल में, तो हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमको सब कंजक्टाइवल हेमरेज एंड पीटीजियल हेमरेज ओवर चेस्ट एंड एबडोमिन, ठीक है। तो चेस्ट एंड एबडोमिन पे हमको सब कंजक्टाइवल हेमरेज और पीटीजियल हेमरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इंटरनल फाइंडिंग्स में हम देखते हैं, तो इंटरनल फाइंडिंग्स में बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स में हमारे जो स्टमक वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन दिखाई पड़ता है। इंटरनल फाइंडिंग्स में जो स्टमक वॉल उसमें इन्फ्लामेशन दिखाई देता है या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा
जो हमारा लंग्स का लोअर लोब है वहाँ पे हमें पिटीचल हेमरेज देखने को मिल सकता है, लोअर लोब्स ऑफ लंग्स में पिटीचियल हेमरेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखने को मिलेगा हमको। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखने को मिलेगा जब ये एबॉर्शन के लिए यूज़ हुआ हो, ऐसा क्रिमिनल एबॉर्शन के लिए यूज़ हुआ है तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, तो एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में हमें पेलनेस देखने को मिलता है, क्लॉथ्स विद ब्लड स्टेन एंड एबॉर्टेड मटेरियल एंड जेनिटल इंजरी। तो जेनिटल इंजरी देखने को मिल सकती है, जेनिटल इंजरी। तो एक्सटर्नल फाइंडिंग की बात करें तो जेनिटल इंजरी हमको देखने को मिल सकती है यहाँ पे, पेनलेस देखने को मिल सकता है, और जो हम क्लॉथ रहेगा उस पर हमको ब्लड स्टेन देखने को मिल सकते हैं, क्लॉथ विथ ब्लड स्टेन्स, क्लॉथ विथ ब्लड स्टेन्स। ठीक है, और एबॉर्टेड मटेरियल जो भी रहेगा वो भी देखने को मिल सकता है क्लॉथ्स पे, एबॉर्टेड मटेरियल, एबॉर्टेड मटेरियल। तो जो क्लॉथ पे हमको स्टेन भी देखने को मिल सकता है और एबॉर्टेड मटेरियल भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम इंटरनल फाइंडिंग। तो क्रिमिनल एबॉर्शन में जब एबॉर्टेड मटेरियल सॉरी ग्लोरीसा रूट का इंसर्शन किया गया है तो उस केस में हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस में इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा। इंटरनल फाइंडिंग्स, तो इसमें हमें इंटरनल में जो वजाइना है और उसमें सर्विक्स है उसमें हमको इंजरी देखने को मिल सकती है, तो वजाइनल एंड सर्वाइकल इंजरी। ठीक है, तो वजाइनल और सर्वाइकल इंजरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्लॉटेड ब्लड वजाइना में देखने को मिल सकता है, क्लॉटेड ब्लड इन वजाइना। और इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो देखने को मिल सकता है वजाइना, वजाइना इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना या इन वजाइना। इसके अलावा जो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर और स्प्लीन उसमें पैलर देखने को मिल सकता है, तो पैलर कैन बी सीन इन लीवर या और स्प्लेन। ठीक है, तो ये इंटरनल फाइंडिंग्स में हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस ये इसका जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा होता है एबॉर्टी फिशियंट के तौर पे, एबॉर्टी फिशियंट्स के तौर पे। तो इसकी जो रूट होती है उसको वजाइना में इंसर्ट कर लिया जाता है एबॉर्शन के लिए। जैसा आपने अभी तक देखते हैं कि इसका जो रूट होता है वो वजाइना में इंसर्ट कर लिया जाता है एबॉर्शन के लिए। ठीक है, एबॉर्शन के लिए। और ये ज़्यादातर इसका प्रयोग इसी में होता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल हो गया हमारा, चाहे सुसाइडल हो गया या होमिसाइडल हो गया, इन सब चीज़ों में ये जनरली नॉट फाउंड, मतलब देखने को नहीं मिलता, जनरली नॉट सीन या नॉट फाउंड। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये एबॉर्टी फिशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस के तौर पे, और एक्सीडेंटल सुसाइडल या होमिसाइडल में ये देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया इसका फीटल डोज, फीटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।